लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल के घर पर इस वक्त क्या हो रहा है उससे जुड़ी हर जानकारी हम आपको दे रहे हैं। केजरीवाल के घर पर हलचल और बढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल के घर पर दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंचे हैं, तो अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। विवेक हमें लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। विवेक, अरविंद केजरीवाल के घर पर अब पुलिस के आला अधिकारी और पहुंचे हैं, यानी और वहां पर लगातार अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। विवेक, देखिए लगातार दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मेरे ठीक पीछे आपको सीआरपीएफ और साथ ही एसएसबी के जवान तैनात नजर आएंगे। इन्हें यहां पर एहतियात के तौर पर बुलाया गया है और साथ ही यहां पर दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो भी तैनात हैं। कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है। आपको यहां पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान दिखाए, सीआरपीएफ के जवान जो थे, और साथ ही आपको यहां पर आरएएफ के जवान जो है वो भी तैनात नजर आएंगे, जो कि पूरी तरह से तैयारी के साथ यहां पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। हाथ में शील्ड है, डंडे हैं, और साथ ही आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए जो गन है वो भी आपको नजर आएगी। हेलमेट पहनी हुई है और साथ ही जो इन्होंने पूरी व्यवस्था जो है पूरी अपनी ड्रेस जो है वो पहनी हुई है, और यहाँ पे एहतियात के तौर पर इन्हें भी तैनात किया गया है। ये आरएएफ के जवानों की टीम है जो यहाँ पे तैनात की गई है। उसके अलावा अगर आगे की तरफ आपको लेकर चलूँ तो यहाँ पर आपको आरएएफ की महिला जो दस्ता है वो भी यहाँ पे तैनात नजर आएगा। ये भी यहाँ पर लगाया गया है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थक में यहाँ पे उनके जो लोग हैं वो इकट्ठे हो सकते हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं, तो एहतियात के तौर पर यहाँ पे महिला दस्ता को भी लगाया गया है। यहाँ पर ये जो रास्ता है ये जाता है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के। विवेक, इस बीच जितेंद्र शर्मा से भी जानकारी ले लेते हैं। जितेंद्र शर्मा अगर हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र, यहाँ पर अभी और पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं, तो लगातार ईडी की टीम भी वहां मौजूद है, दूसरी टीम भी पहुंची, और अब दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी सीएम आवास पहुंचे हैं, क्या इसमें कोई संकेत है? जी बिल्कुल, देखिए एक लाइन में स्पष्ट तौर पर कहना चाहेंगे कि आज की रात जो अरविंद केजरीवाल के लिए है वो मुश्किल भरी हो सकती है, जो कि हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं, क्योंकि ईडी की टीम लगातार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है, जो जवाब उनसे मांगा जा रहा है वो जवाब स्पष्ट तौर पर नहीं मिल पा रहा ईडी की टीम को अभी तक। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आज की रात अरविंद केजरीवाल के लिए बेहद मुश्किल भरी हो सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अभी तक किसी भी अदालत से फौरी तौर पर या कहें सीधे तौर पर कोई भी राहत अभी तक नहीं मिली है, और क्योंकि अरविंद केजरीवाल कोई भी स्पष्ट जवाब ईडी के सवालों का नहीं दे रहे हैं, एक्साइज पॉलिसी को लेकर, एक्साइज घोटाले को लेकर। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कुछ देर बाद अब बढ़ सकती हैं, और उसी की तैयारी आप देख भी सकते हैं अरविंद केजरीवाल के आवास के आसपास, जैसे कि हमारे संवाददाता विवेक दिखा भी रहे हैं कि लगातार पुलिस फोर्सेस का जो जमावड़ा है, जो उनकी डेप्यूटेशन है, वो लगातार वहां पर बढ़ती जा रही है। जिले के तमाम अधिकारी डीसीपी समेत वहां पर इस वक्त मौजूद है। ईडी की दो टीम इस वक्त मौजूद है, तकरीबन 14 से 15 ईडी के जो अधिकारी हैं वो अरविंद केजरीवाल के आवास के अंदर मौजूद हैं। घर के अंदर ना सिर्फ सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, बल्कि उनके जो डिजिटल गैजेट्स हैं उनका जो डेटा है उसको भी रिट्रीव किया जा रहा है, और साथ ही उसको एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। साथ ही अरविंद केजरीवाल से एक टीम पूछताछ भी कर रही है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से